हम ना रिपोर्ट वाला लेक्चर रिपीट भी करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और उसी को मज़ीद थोड़ा और भी निखार लेंगे। सर जी, वो आपने इसकी सेटिंग कहाँ पे जा रही थी कि मैं मंदिर में था आप फिर घर से लेने वाले सर। यहाँ पे दिया था ये ना, चूज क्लोजिंग लिड, ये चूज अच्छा। हमने एक प्रोडक्ट का व्यू बनाया था, हमने कहा था उस व्यू से हम रिपोर्ट बनाएंगे। हम दोबारा आज उस रिपोर्ट को देखते हैं, नए सिरे से रिपोर्ट बनाते हैं, उसकी सेटिंग कर देते हैं यूजिंग रिपोर्ट विजर्ड। ओके, ये भी रिपोर्ट रिजल्ट जस्ट स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे। लोकल से आता है ये? जी सर। हर कंट्री के लिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए। इसमें हम ऑलरेडी व्यू बना चुके थे, उस व्यू को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। डिस्कस की थी पेज हेडर, पेज फुटर, रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट फुटर। आज हम इन्हें भी थोड़ा यूज़ करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट सुप्रेस हुए पड़े हैं। रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट हेडर वो होता है जो पूरी रिपोर्ट में सिंगल टाइम डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, ये हुआ पड़ा सुप्रेस लाइन का, मतलब ये डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। जैसे मैं कर देता हूँ डोंट सुप्रेस, अब ये ऊपर से पेज में डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर हम हेडर डाल देते हैं, हेडर के लिए टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लेंगे, ये यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। ये माउस आपका मेरे पास है, कोई मसला तो नहीं है। इसकी फॉर्मेट सेट कर लें, इसका फॉन्ट बढ़ा लें, इसे सेंट्रल लाइन कर लें, इसका कलर चेंज करना, कलर भी चेंज हो सकता है। वो कहाँ है, राइटली फॉर्मेट टेक्स्ट, इसमें आ रहे फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सर ये कलर वगैरह जो होते हैं ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ये तो ऑप्शनल है, मतलब आप बनाए या ना बनाए। अब ये प्रिंट डेट आ रहा है कॉलम, इससे भी उठा के आप यहाँ रख दें, मतलब जिस दिन ये रिपोर्ट प्रिंट होगी ये डेट ऑटोमेटिक हमें दे देगा। नहीं आ गई वो डेट, अच्छा इसे थोड़ा सेट सेट कर लेते हैं। करेंगे सेल रेट और परचेज रेट ऐसे करेंगे। शेख साहब आए हैं आपके साथ है? मेरे ऑफिस के होते सर, आपका स्कैनर पड़ा आप
लोगों का बैंक का स्कैनर, मतलब बैंक कंपनी का। तो वो आज मैं गया था, आज उन क्लियरेंस सारी हो गई है, क्लोजिंग हो गई है, चार कुर्सियाँ आप लोगों की रह गई हैं, एसी भी सेल हो गया है 6,000 रुपये में। क्या मतलब पाँच का चलो जितने मिले गए, बिल भी क्लियर हो गया, पीटी सेल भी क्लोज हो गया, उसका बिल बना है 9,400 कुछ रुपये आज तक, आज तक का उसमें था सारा क्लियर। मैंने सोचा कि ये एक महीना पीछे होता तो उसके भी पैसे आप लोग देंगे। नान साहब से मेरी बात हो गई थी, मतलब वो जो बिल वाले थे वो ले के फिर भी मैंने वहाँ उनके अकाउंट में जमा भी करवाने हैं। हाशिम साहब से भी हिसाब किताब हो गया सारा, बस अब ऑफिस में आपका वो स्कैनर पड़ा हुआ था और चार कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। गाड़ी में मैंने कहा था भाई आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनका देख लो, तो वो आई थिंक स्कैनर उठा गए थे। अब इतनी वजनी है कि अकेले कैसे उठा सकते हैं, या फिर वो यूँ किया होगा। और अभी जब मैं एक के बाद पीछे रखे ना, पीछे वाली चीज़ बिठा के कुर्सियाँ तो नहीं आई, ये इतना अच्छा है नहीं कि वो आपके भाई को कुर्सियाँ देना चाहिए, बाकी तो हर किसी को दे देगा। सीपीयू आपके पास पड़े हैं वाले? मैंने हम पहले कहा था हफ्ता लास्ट ले लिया। ठीक है, कितने में बिके हैं? कितने में? मैंने ले लिए बस दोनों। कितने में? वो वैसे गाड़ी की डिग्गी में रखे हैं हम। एक आधा मैंने कहा था नहीं, अभी उसका पैसा तो बताया सर, वही तो मार्केट में मैंने तो आपको कहा था कम से कम 5,000 में जाएगा पूरा एक सीपीयू विद सीपीयू विद एलसीडी कीबोर्ड माउस ईच एंड एवरी हार्ड डिस्क के बगैर। अच्छा यार, हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके इनकी हेडलाइन जा रहे हो ना, जहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाके यूँ कर लेते हो ये ख़त्म हो गए, उससे इनके दरमियान में स्पेसिंग डाल देते हैं। सवाल अच्छा है, कोड एक्टिव, इसमें ना हम फार्मूले भी अपने लिख सकते हैं, फंक्शंस भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए यहाँ पे चलते पीछे इस रिपोर्ट में प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड रिपोर्ट जो भी हो हमेशा, रिपोर्ट जो भी हो हमेशा लाइन हो तो कुछ रख सकती है। अच्छा, अभी भी इसमें ना मैं कहता हूँ मुझे मज़ा नहीं आता, एक लाइन का ऑब्जेक्ट लेंगे, ये इंसर्ट लाइन इसे सिलेक्ट करेंगे और लाइन इधर ऊपर लगाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट में जब भी हम लाइन लगाते हैं तो लाइन हमेशा ऊपर लगाते हैं। ऊपर क्यों? क्योंकि सम टाइम अब ये मार्कर का साइज़ तो छोटा है ना, अभी यहाँ तक है, जब ये पूरा एक्सीड हो गया नेक्स्ट लाइन पर आएगा, अगर हमने लाइन नीचे लगाई है तो उस लाइन के ऊपर वो चढ़ जाता है, तो इसलिए लाइन हमेशा हम ऊपर लगाते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होती है कैन ग्रो। कैन ग्रो क्या करती है, अगर ये इस फील्ड का साइज़ मैंने इतना रखा हुआ है इतना पूरा, अगर इसका टेक्स्ट इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आगे डिस्प्ले नहीं करवाएगा, तो मैं चाहता हूँ वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट फील्ड कॉमन, इसमें आ रहा है ये कैन ग्रो, ये उसे नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा इसका टेक्स्ट जितना भी होगा। अच्छा, एक्टिव की जगह ट्रू फॉल्स आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एक्टिव या डीएक्टिव? क्या वैलिड या इनवैलिड? नहीं, एक्टिव या डीएक्टिव ये होता है असला। तो उसके लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं, ये राइट साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पर ना राइट साइड पे देखें ये डेटाबेस फील्ड आ रहा है, जो हमने व्यू के अंदर बनाए थे वो सारे फील्ड आ रहे हैं, और जो जो फील्ड यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं उनके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला फील्ड न्यू फार्मूला, इसको हम करते हैं एक्टिव ACTIVE। ओके, इसमें वो सारे कॉलम्स आ रहे हैं जो हमने बनाए हैं, हम इसके ऊपर वो कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्टिव इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा, जीरो हो देन क्या आ जाएगा, वो डीएक्टिव डी ए सी।
रिएक्टिव और एल्स में एक्टिव, मतलब अगर उसका जीरो आ रहा है तो वो फॉल्स है, वन आ रहा है तो वो ट्रू है। ए सी टी आई पी सेव करेंगे, इसमें एरर है, हम पूछते हैं क्या एरर है। बूलियन इज रिक्वायर्ड हियर, मतलब फॉल्स फॉल्स। अब उसे मतलब वो एक्टिव की जगह ना ये आ रहा, इस पूरे को मैं उठा के, अब इसमें देखो सिर्फ एक ट्रू है बाकी सारे फॉल्स हैं, मतलब ये एक्टिव है ये सारे डीएक्टिव हुए। इस कॉलम को उठा के इसकी जगह मैं उसने उस हिसाब से हमें दिखा दिया, वो वाला कॉलम हमने यूज़ नहीं किया जो इसमें था, वो वाला एक्टिव वाला। ये एक्टिव वाला टिक इसलिए दिखा रहे क्योंकि ये फार्मूले में यूज है, क्योंकि अलाइनमेंट सबकी सेम होना चाहिए। राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट टॉप कर दो। अब इसकी बॉटम में जा रही है, इसे भी सिलेक्ट करो, टॉप कर दो, इसको भी ऐसे अंडरलाइन खत्म कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, ये लाइन के भी फॉर्मेट सेट कर सकते हो। राइट क्लिक, फॉर्मेट फील्ड, ये आ गई। वो कह रहा है कि लाइन किस तरह से हो, नन हो, डैशेज हो, डॉटेड हो, क्या ये इस तरह से आ जाएगी। हाँ, जिस चीज़ को भी आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट टेक्स्ट या फॉर्मेट फील्ड में जाएंगे वो उसकी प्रॉपर्टी में आपको लेके चले जाएंगे। टेबल मतलब, हाँ बिल्कुल, उसमें पता क्या होगा, ये देखो मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से ये बॉक्स आ रहा है, लेकिन काम सारा इसमें आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये लाइन क्यों नीचे चली गई भाई, ये लाइन तो हमने ऊपर रखी थी ऐसे ही है ना जी सर, तो ये नीचे क्या करने आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, आप चाहते हो कि बॉक्स है, मैं इसे पकड़ता हूँ, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, इस बॉक्स को नीचे लेके नीचे वाले पोर्शन को इस सेक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, हर दफा के लिए क्या मतलब, नहीं एक बार जब हम उसकी रिपोर्ट बना लेंगे हमेशा उसी का ही प्रिंट निकालेगा, उसी तरह का प्रिंट निकालेगा। मतलब ये रिपोर्ट काम किस तरह करेगी, रिपोर्ट की फॉर्मेट क्या होगी, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जब भी इस रिपोर्ट को कॉल करेंगे ऑटोमेटेड उसकी फॉर्मेट, उसकी सेटिंग वही कॉल हो जाएगी। सर अब ये बात ये रिपोर्ट, हाँ जी, ये वाले आपने इसके अंदर डाले हुए हैं प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर कोई और प्रोडक्ट ले लेता कोई और, तो उसके लिए अलग से काम करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप जाके उसमें ऐड करोगे। अभी इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ये 7 रिकॉर्ड हैं। मैं इसमें आके एक रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ, वो ऑटोमेटेड सारी चीज़ें खुद ही ऐड कर देगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से हमने जस्ट डेटा बेस में वैल्यू डालनी है, वो सारे रिकॉर्ड डेटा बेस से फेच कर रहा है। हम आते हैं डेटा बेस में, 2-3 रिकॉर्ड और डाल देते हैं, आपका लैपटॉप अभी तक रेडी नहीं हुआ। प्रोडक्ट टेबल में आते हैं, एडिट टॉप 200 रोज, चल यार ये वाला सिस्टम रेडी करो, एक रेडी स्पीड बोल देते हैं, इसमें आते हैं 9 9 9
9 9 9 हम सब को एक जाए 10 10 True 10 ओके इसमें दो रिकॉर्ड हमने और डाले हैं रिकॉर्ड में भी दिखा रहा है यहाँ तक इसमें आता है ये रिफ्रेश का जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूँगा बाकी रिकॉर्ड भी सेम एज इज वैसे नहीं भाई नहीं एक ही बार जब हम सेटिंग कर रहे हैं तो वो हर बार हर रिकॉर्ड के लिए वैसे करेगा सर इसके दरमियान ऐसे लाइनें नहीं हो सकती कि ये प्रोडक्ट कोड के दरमियान आके फिर जाके लाइन जैसे वो कंप्लीट टेबल्ड है यस सर काफ़ी है ये आ रहे ऊपर इंसर्ट लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हैं इसके ना ये ठीक बना नहीं रहा इसके बॉक्स को मतलब ये आप लोग इसकी सेटिंग जब करोगे ना तो उसके मुताबिक ये सारा हो जाएगा क्या साथ मिला हुआ है इसे पकड़ के सेंट्रल लाइन कर दो ठीक है इसी तरह की ये अच्छे से आप इस तरह से सारा फ्रंट एंड पे भी इसकी सेटिंग सारी कर सकते हो इसे सिलेक्ट करो ऐसे आल्ट की प्रेस करके इसे ऊपर नीचे करोगे तो ये इजीली काम करने लगेगा ये पास हो रहा है तो इसे थोड़ा सा इधर करके सारे सेट कर सकते हो इस तरह से बाकी लाइन भी आप लगा सकते हैं ठीक हो गया क्लियर है काफ़ी है ये और भी इस रिपोर्ट की आपने 3 से 4 रिपोर्ट्स डिफरेंट डिज़ाइन में स्टाइल में बना के आ रही है अच्छा एक चीज़ और देख लो इसके पीछे डेसिमल पॉइंट भी आ रहे हैं वो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं ख़त्म भी कर सकते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं इनमें देखिए कॉमा लगा हुआ है कॉमा सेपरेटर वो यूज़ करना है तो ये करो ख़त्म हो गया कॉमा ये आ गया इनके भी 0 ख़त्म करने हैं तो ये ख़त्म हो गए मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए ये सिलेक्ट करो ये बोल्ड हो गए ठीक हो गया इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप इसके कलर आप ग्रीन कर दें ग्रीन ये ग्रीन हो गए इनके कलर आप रेड या ब्लू कर दें मतलब डिफरेंट स्टाइल में आप चेंज करना चाहेंगे मोर कलर में लेंगे तो ये आ जाएगा ये रेड हो गया रेड हो गए ठीक हो गया इसी तरह से जैसे हमने ये ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट लिखा ये है हमारा कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो ये से रिपोर्ट के साइज को छोटा बड़ा कर देगा ये था रिपोर्ट हेडर यह है पेज फुटर इस तरह से रिपोर्ट फुटर भी है वो ये अभी तक सुप्रेस है उससे सुप्रेस ही रहने दे ठीक हो गया इस तरह से कुछ स्पेशल फील्ड्स भी होती हैं स्पेशल फील्ड्स ये एज इट इज़ दिखा देता है प्रिंट डेट आया हुआ है मैं कहता हूँ प्रिंट टाइम भी दिखाए थोड़ा इधर करें ये प्रिंट टाइम दिखा देगा अच्छा पेज नंबर ये दिखा रहा है अभी देखो ये प्रिंट के साथ टाइम भी उसका आ गया
वन दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि टोटल पेज कितने हैं। इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट पेज नंबर एन ऑफ एम। एन ऑफ एम क्या करता है, ये आपको टोटल बताता है कि इतने पेजेस में देखो ये, ठीक हो गया। ये डिफरेंट उसके फील्ड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी एक रिपोर्ट, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद एक रिपोर्ट है हमारी जिसमें हम ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग हम अभी नहीं बनाएंगे, ग्रुपिंग हम जब हम बिल बना रहे होंगे तब बनाएंगे, ठीक हो गया। ओके, काफ़ी है।